इससे पहले क्लासेस में हमने आपको जो समझाया था कि कैसे हम हमारा रोल सीट क्या है, रो क्या है, एक्सेल कैसे यूज़ करते हैं वगैरह वगैरह। अब हम बात करते हैं फाइल मेनू बार से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम बात कर रहे हैं फाइल मेनू बार की, तो हम मेनू के हिसाब से चलेंगे, हम फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉअर, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे ताकि आपको पता रहेगा कि आज आपने क्या पढ़ा और कल क्या पढ़ने वाले हैं और कोर्स कहाँ तक गया हुआ है। तो फाइल मेनू बार में हम आते हैं, इसमें कोई खास चीज़ नहीं है, जैसे कि होम, होम मेनू बार में आपके जो न्यू वर्कबुक और यूज टेम्पलेट्स आते हैं और यहाँ पे लिस्ट ऑफ योर फाइल आता है, ठीक है। क्या होता है, जिससे आपने कोई फाइल यूज किया, उसको आपने सेव कर दिया, सेव करने के बाद आप भूल जाते हैं कि आपकी फाइल कहाँ सेव हुई है। तो अगले दिन से मान लीजिए आपको पता नहीं है कि आपकी फाइल कहाँ सेव हुई है, तो उस केस में आप जो है इसमें फाइल मेनू बार में जाएंगे तो यहाँ पे आपको आपका रिसेंट डॉक्यूमेंट दिख जाएगा, जैसे कि अभी हमने यूज किया हुआ है ये आपका डेटा सी जो कि डेस्कटॉप इस लोकेशन में सेव है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि ये लिस्ट चेंज होते रहती है, या ओपन में आप आते हैं तो ओपन में भी आपके पास ए लिस्ट होता है, ये लिस्ट चेंज होते रहता है। क्यों? जैसे 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 फाइल ओपन होती है उस तरह से इसमें नए लिस्ट ऐड होते जाते हैं और पुराने डेटा डिलीट होते जाते हैं, क्योंकि इसकी एक लिमिट, इसकी लिस्ट की एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन का ही तक ही को रख पाता है, नंबर ऑफ फाइल्स को तक रख पाता है। जैसे कीवर्ड है, अब इसमें कोई एक फाइल ऐड करूंगा तो लिमिटेशन से बाहर होगा तो कीवर्ड हमारा इस लिस्ट से बाहर हो जाएगा, तो ऊपर से इसे गायब होते रहता है। तो जिससे आप लोग दिन में बहुत सारे फाइल खोलते हैं, 500-700 फाइल आप खोलते हैं, तो उसके उस समय आप उसका इसमें आपकी फाइल जो है लेटेस्ट फाइल नहीं आएगी। लेकिन आप जो मोस्टली फाइल ओपन करते, जैसे मैं व्हाट्सएप फाइल को मोस्टली ओपन करता हूँ, तो मेरा ये फाइल हमेशा टॉप पे आएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको पिन कर रखा है। तो पिन कैसे होता है, जैसे ये देखिए डेटा सी है, या मान लीजिए मैप डेटा हमारा है, तो मैप डेटा को हमें बार बार ओपन करना है, तो मैंने इसको यहाँ से पिन का निशान दिख रहा है उसे पिन कर दिया। तो पिन करने के बाद मैं पिन मेरे लिस्ट में चला गया, तो अब मुझे ये फाइल कितना भी ओपन क्यों ना करूँ, ये लिस्ट में मुझे हमेशा दिखेगा। तो मुझे बार बार लोकेशन पे जाके ओपन करने की ज़रूरत नहीं होगा, मैं यहीं से इस फाइल को ओपन कर लूँगा, ठीक है। कोई डाउट इसमें नहीं है, चलिए। और यहाँ पे आपको रिसेंटली यूज्ड फोल्डर होते हैं और फोल्डर को भी पिन कर सकते हैं, जैसे मैं डीटी फोल्डर को पिन कर दिया तो मेरा डीटी फोल्डर हमेशा रहेगा, बाकी फोल्डर्स आते जाते रहेंगे जैसे जैसे मैं फोल्डर यूज करूँगा। तो होम में भी आपका वही होता है और आपका ओपन में भी वही होता है। तो होम में एक चीज़ बढ़ जाता है कि यहाँ पर आपके रिसेंट वर्क मिल जाते हैं, सॉरी ब्लैंक वर्कों के साथ साथ आपके रिसेंट यूज टैम्पलेट आ जाता है। अब टैम्पलेट क्या होता है, इस चीज़ को जानिए। टैम्पलेट होता है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है पहले से बने बनाए आपको बहुत सारे फीचर्स वाले फाइल देती है, जिसको आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। जी हाँ, डाउनलोड कीजिए और इसको यूज कीजिए। जैसे सिंपल, अब मान लीजिए कि हमें यहाँ पे एक बैलेंस शीट बनानी है। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है मुझे पता नहीं, तो मैं यहाँ पे शीट या शीट्स नहीं शीट कर देता हूँ, शीट सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ देखिए ब्लू बैलेंस शीट्स और कई सारे बैलेंस शीट्स के फॉर्मेट आ गए, बस हमको क्लिक करना है और इसको क्रिएट कर देना है, ये डाउनलोड हो जाएगा और इस पर हम यूज कर पाएंगे। ओके, ये हमारा असिस्ट है, असिस्ट की लिस्ट डाल दूंगा, ये हमारा लाइबिलिटीज की लिस्ट डाल दूंगा और लाइबिलिटीज की कैटेगरी मैं यहाँ पे अपने हिसाब से घटा बढ़ा दूंगा जो यहाँ आते जाते हैं, और मेरा उसी तरह से बैलेंस शीट फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग तैयार होता चला जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम अपने भी टैम्पलेट बना सकते हैं, तो दूसरा चीज़ की ज़रूरत क्या है बनाने की। तो आप ऑफिस में क्या करते हैं कि प्रीवियस रिपोर्ट को सेव ओपन करते हैं, सेव एज करते हैं और पीछे का डेटा को क्लीन करके फिर नया डेटा डालते हैं। तो हम क्या करते हैं, हर दिन एक नई फाइल, हर दिन हम प्रीवियस फाइल को ओपन करते हैं, उसको सेव एज करते हैं और अपना एक नया फाइल ऐड करते, नया डेटा उसमें ऐड करते हैं।
तो हर बार मुझे सेव एज करना पड़ता है और उसको उसमें जो प्रीवियस डेटा को क्लीन करना पड़ता है, तो कुछ ऐसा हो जो हमेशा मुझे ब्लैंक सीट ही दिखे। तो चलिए करते हैं, हमने एरिया को सिलेक्ट किया और यहाँ से मर्ज कर दिया और यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ। अब एक छोटा सा टैम फॉर्मेट आपके सामने मैं बना रहा हूँ, डेली सेल्स ट्रैक, और इसको बड़ा करने के लिए मैंने इस पर क्लिक किया और एक बड़ा अंडरलाइन यहाँ से कर सकता हूँ और फिर मैंने यहाँ पे डेट दे दिया। डेट के लिए मैंने यहाँ से बॉर्डर ले लिया और यहाँ हमारा टाइम है या लोकेशन कर देता हूँ। यहाँ पे हम सीरियल नंबर, नेम, एरिया दिया, सिया एंड बैलेंस, और इसको हम नीचे तक सेलेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हमने टोटल दे दिया और बैलेंस होता है, पहले तो हो जाएगा सीआर माइनस डीआर या बैलेंस, और दूसरे नीचे होगा सीआर प्लस बैलेंस माइनस दिया, और नीचे तक मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। और यहाँ पे टोटल के लिए मैं सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ सीआर के लिए भी सम का फॉर्मूला लगा देता हूँ। बट बैलेंस क्या होगा, सीआर माइनस डीआर ये हमारा बैलेंस होगा। अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नीचे एक ऑथराइज बाय कर देता हूँ, यहाँ से मैं बदल लेता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ चेक बाय, तो फॉर्मेट होता है उस तरह से बना रहा हूँ मैं, जरूरी कि ऐसा ही होता है। ये हो गया, अब मैं पेज लेआउट में जाऊंगा और पेज लेआउट में जाने के बाद मैं इसकी ग्रिडलाइन को अनचेक कर देता हूँ। ग्रिडलाइन अनचेक कर दिया। सोहन नेगी जी कैसे हैं, मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, चलो तो ये हमने लोकेशंस बना लिए। अब मैं इस फाइल को अगर मान लीजिए कि नॉर्मली सेव कर दूं तो मैं यहाँ पर डेटा डालूंगा तो रहेगा। मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं फाइल खोलूं हमेशा मुझे ब्लैंक ही दिखे ताकि मैं अपनी डेटा आगे की तरफ डाल सकूं। तो उस समय हम क्या करेंगे, फाइल को सेव करेंगे, फाइल को सेव करेंगे और यहाँ सेव सेव एज टाइप के अंदर में हम टैम्पलेट ले लेंगे, एक्सेल टैम्पलेट, और फिर इसको यहाँ हम लोकेशन डेस्कटॉप या किसी भी लोकेशन पे जाइए, जैसे मैं यहाँ पे कैश के नाम से सेव कर दिया, कैश के नाम से सेव कर दिया। तो कैश के नाम से सेव होने से क्या हुआ कि ये फाइल सेव हो गई। अब नेक्स्ट टाइम मुझे इसको ओपन करना है तो मैं जस्ट यहाँ देखिए इसका टेम्पलेट भी अलग हो गया है, इसका नेम दिख रहा होगा आपका, कैश इस तरह का फॉर्मेट आ गया, तो ये आइकन भी इसका चेंज हो जाता है। तो जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो ये होगा कैश वन ओपन होगा, जैसे बुक वन ओपन होता है ना, ऐसे यहाँ पे कैश वन ओपन होगा, यहाँ पे देखेंगे कैश वन।
मैं अगर दोबारा ओपन करना चाहूँ तो दोबारा इसको ओपन करूँगा तो एक कैश टू ओपन होगा, जैसे बुक टू होता है, बुक थ्री, बुक फोर, बुक फाइव, ऐसे कैश वन, कैश टू, कैश थ्री ओपन होगा। हर बार मुझे ये ब्लैंक डेटा ही देगा, मैं इसमें जैसे फिल करूँगा और सेव करूँगा ये वापस सेव एज पे चला जाएगा और डिफरेंट नाम से डिफरेंट लोकेशन में सेव करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो टेम्पलेट समझ में आ गया आप लोगों को, किसी को डाउट तो नहीं है टेम्पलेट के ऊपर? एक मिनट, एक मिनट, बोलिए रोशन जी, बोलिए क्या बोल रहे हैं आप? इसमें कौन सी बड़ी प्रॉब्लम, हमने तो बस प्लस माइनस किया था क्या? चलो दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए ये था हमारा जैसे कि बैलेंस हो गया, तो इसमें डेबिट और क्रेडिट, जैसे मान लें कि हम लोग ये होता है कि भाई 6000 यहाँ पे 6000 रुपये हमें दिए गए, तो इसमें 3000 दिए गए लेकिन हम साथ में हमने 3000 दिए गए लेकिन इसमें हमें 4000 खर्च भी किए, बैलेंस कितना है 5000 है ना। तो हमने बोला यहाँ पे सिंपल सा क्रेडिट माइनस डेबिट, और यहाँ पे हमने बोला कि क्रेडिट प्लस बैलेंस जो कल की बैलेंस है और उसमें से हमने माइनस कर दिया डेबिट खर्च। ठीक है सर, और यहाँ पे टोटल आ गया, टोटल डेबिट डेबिट एंड क्रेडिट, और यहाँ पे बैलेंस कैश आ गया। ठीक है, और कुछ सर? मनीष जी आपको कोई डाउट है? चलिए सोहन नेगी जी आपको कोई डाउट है? चलिए विक्की गोयल जी आपको भी, सबका नाम लेके नहीं बोल पाऊंगा मैं, तो आप लोग कुछ डाउट खुद पूछ लीजिएगा। चलिए आगे के बता बढ़ते हैं, अब इसमें आगे बात करते हैं, बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसे कि इन्फो की बात हम करें तो इन्फो में इसकी प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहले कि इस फाइल को किसने बनाया है, आप इस पर कर्सर रख के पता कर सकते हैं, ऑथर, राइट सर। तो यहां प्रॉपर्टीज में हम आगे आते हैं, तो और क्या क्या है, जैसे कि डिटेल्स में आप इसकी टाइटल डाल सकते हैं, जैसे कि हम डाल देते हैं यहां पर डेली कैश, ताकि आगे चल के आपको पता लग जाए कि फाइल किसके लिए बना हुआ, किस सब्जेक्ट के लिए है, टैग में इस फाइल को किस तरीके से ढूंढ सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, डी आर से ढूंढ सकते हैं, सी आर से ढूंढ सकते हैं, और रिपोर्ट से ढूंढ सकते हैं, तो इस जितने तरीके से ढूंढ सकते हैं उसका यहाँ पे डिटेल्स आप कॉमा कॉमा करके डाल दीजिए। तो इससे बेनिफिट क्या होगा बताता हूँ आपको, मेरे सिस्टम पे तो नहीं दिखता है बट आपके सिस्टम में करेंगे तो आपको मेरे सिस्टम में दिखने लगा। हाँ यहाँ देखिए, जैसे मैंने कर्सर ले गया, आप देख रहे हैं आईपी टेक्सन स्कूल और टाइटल में डेली कैश ट्रेकर, तो मुझे इस फाइल को खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है कि इसके अंदर डेटा क्या है, मुझे यही पे कर्सर रखते पता चल जाता है कि इस फाइल के अंदर में क्या है। तो जो आपकी इंपॉर्टेंट फाइल हो जिसको आप बार बार ओपन करना चाहते हो, या फिर मान लीजिए कि आपने बना दिया लेकिन आपको लगता है कि इन फ्यूचर में आपका उसका डिमांड हो सकता है, तो उसके लिए इसकी डिटेल फिल करने से आसानी होती है, क्योंकि 6 महीने बाद 3 महीने बाद हम भूल जाएंगे कि ये फाइल हमने किस लिए बनाया था, तो हमें इसको ओपन करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बेनिफिट होता है डिटेल को फिल करने से, जैसे हमें यहाँ पे फिल कर दिया था। दूसरा, हमें टैग तो सब्जेक्ट भी डाल सकते हैं इसमें, मेड फोर ओम प्रकाश, हमने डाल दिया कि ओम प्रकाश के लिए बनाया गया है, हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया एंड ओके कर दिया। अब एक बार रिफ्रेश करते हैं, मेड फोर ओम प्रकाश दिख गया, तो पूरी डिटेल हमें यही दिख जाती है। और जब मैं टैग डाला था, टैग से क्या बेनिफिट होता है दिखाता हूँ आपको। जैसे कि हमने यहां सर्च कर दिया रिपोर्ट, तो यहां आप देखेंगे
क्विक एक्सेस में हो गया। देखा आप यहाँ पे कैश है, रिपोर्ट है, कैश भी इसमें सबसे पहले आया, टॉप पे है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में इसका नाम तो रिपोर्ट नहीं है, ये तो रिपोर्ट क्यों आया, क्योंकि इसका नाम रिपोर्ट है। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो इसके प्रॉपर्टीज के कैप्शन नेम में हमने यहाँ डी आर सी आर एंड रिपोर्ट डाला हुआ था, इसको पिक कर लिया, इसको बोलते कीवर्ड्स। तो इंपॉर्टेंट फाइल का कीवर्ड आप यहाँ पे इस तरह से डाल देंगे तो आगे चल के आपको सर्च करने में आसानी होगी। तो प्रॉपर्टी मेंटेन करने का जो सिस्टम है आप लोगों को समझ में आ गया कैसे हम करेंगे? कोई डाउट इसमें आपको? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? चलिए ओके, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। सेव, नॉर्मली जब हम फाइल को सेव करते हैं इसमें कुछ बताने लायक तो है नहीं, सेव है सेव एज में। प्रिंट फाइल, प्रिंट करने का तो प्रिंट पे तो हम आपको अलग से क्लास लेंगे। शेयर, इस फाइल को अगर आपको वन ड्राइव में शेयर करना चाहते हैं तो शेयर के लिए ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद एक्सपोर्ट, इस फाइल को एज ए पीडीएफ में आपको एक्सपोर्ट करना है या किसी अलग इस टैम्पलेट्स में अलग करना है तो भी कर सकते हैं, ये काम हम सेव एज से भी कर लेते हैं। पब्लिश, अगर आप पावर बी आई ओपन करते हैं तो इस फाइल को आप पावर बी आई पे अपलोड कर सकते हैं और क्लोज यहां से क्लोज कर सकते, कोई बात नहीं। इसके बाद अकाउंट, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के ओरिजिनल अकाउंट है तो अकाउंट यहां पे साइन अप कर सकते हैं, उसको अपना फीडबैक भेज सकते हैं। ऑप्शंस में आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले सेटिंग कि आपने जैसे कर्सर रखा और आपने देखा कि यहां पे आईपीटी एक्सेल स्कूल आ गया था, नेम, ऑथर नेम। बट आपके सिस्टम में क्या होता है कि डिफॉल्ट आपका यूजर नेम पिक करता है और आपका यूजर नेम अलग अलग हो सकता है, राइट सर? आपका यूजर नेम, अब किसी का लॉग एडमिन होता है, किसी का यूजर वन होता है, किसी का उसकी मेल आईडी होती है, तो दिक्कत हो जाती है। हम चाहते कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस केस में हम क्या करें, तो उस केस में आप यहां एक्सेल के फाइल में आइए, ऑप्शन पे आइए और यहां आपको दिख रहा होगा यूजर नेम, तो यहां पे आप अपना यूजर नेम ऐड कर सकते हो यहां पे, राइट? जो मर्जी डालो आप टाइप कर सकते हो। उसके अलावा यहां आप अपने फाइल की डिफॉल्ट फॉन्ट की साइज, कितने शीट ऐड होंगे वो भी ऐड कर सकते हैं। फॉर्मूला बार भी, ये सिर्फ सेटिंग है। जैसे यहाँ पे हमने R1C1 क्लिक कर दिया तो जो ए बी सी डी है आपका 1 2 3 हो जाएगा, बट इसे कुछ छेड़िएगा मत। प्रूफिंग में एक चीज़, नया चीज़ सीखने को है, जैसे कि आप शॉर्टकट बना सकते हैं किसी टाइपिंग के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे DS के लिए डेली सेल्स रिपोर्ट बना रखा है, मतलब कि मैं किसी एक्सेल में किसी फाइल में DS लिख के स्पेस मारूंगा तो ये डेली सेल्स रिपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही वर्ड या सेंटेंस जो आपको बार बार टाइप करते हैं या फिर आप उसकी स्पेलिंग मेरी तरह भूल जाते हैं तो उस केस में आप प्रूफिंग में जाके ऑटो करेक्ट पे जाके यहां पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमने कर दिया R W के हमने यहां पे दे दिया रिपोर्ट, हमने बना दिया और इसको ऐड कर दिया। अब यहां पे मैं R W लिख के स्पेस मारूंगा तो रिपोर्ट वीकली कन्वर्ट हो जाएगा किसी भी फाइल में, क्योंकि हम जो सेटिंग चेंज किए हैं वो एक किसी फाइल का सेटिंग नहीं है, पूरी एप्लीकेशन का सेटिंग चेंज की है। लेकिन ध्यान रखिएगा एक केस सेंसिटिव होता है, हमने वहां पे कैप्स में डाला था तो यहां भी कैप्स डालना होगा, अगर हम स्मॉल डालेंगे तो वर्क नहीं करेगा। तो कैप्स में डाला तो आपको यहां पे कैप्स में ही डालना होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
दूसरा चीज जैसे आप मेल आई डी लिखते हैं, जैसे हमने लिखा कुमार एट द रेट ipt.india.com, एंटर मारा तो देखिए मेरा नॉर्मल है, पर आप अपने सिस्टम में अगर लिखेंगे और एंटर मारेंगे या कोई भी ईमेल आईडी या किसी भी वेबसाइट का एड्रेस लिख के एंटर मारेंगे तो कन्वर्ट हो जाता है हाइपरलिंक पे, इसके ऊपर हाइपरलिंक आ जाता है जो कि डेटा एंट्री करते समय काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने क्या किया जो मुझ में नहीं आ रहा है, मैंने प्रूफिंग में गया और यहाँ ऑटो फॉर्मेट यूज टाइप पे क्लिक किया और ये इंटरनेट पाथ ऑलरेडी क्लिक था उसको अनचेक कर दिया। अगर क्लिक होगा तो आप अगर किसी भी तरह की ईमेल आईडी वेबसाइट एड्रेस वगैरह लिखेंगे एंटर मारेंगे तो वो कन्वर्ट कर देगा इस तरह से, ठीक है। तो आपको इसकी जरूरत प्रॉब्लम होती है तो इसका यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेव पे अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम कंट्रोल एस करते हैं और फाइल को सेव कर लेते हैं ब्राउज पे जाके, तो लेकिन यहाँ जो डिफॉल्ट पाथ होता है वो एक्सेल वर्कबुक होता है। तो एक्सेल वर्कबुक में आप वही फाइल सेव कीजिएगा जिसके अंदर किसी भी तरह का कोडिंग ना हो। अगर उसके अंदर किसी तरह का कोडिंग हुआ तो सारे कोड्स को डिसेबल कर देगा। जैसे कि मैं मोस्टली फाइल जो है वो मैक्रो वाली फाइलें बनाता हूँ, तो मैं यहाँ पे बार बार जाके मुझे सेव करना पड़ेगा मैक्रो एनेबल वर्कबुक क्लिक करना पड़ेगा एवरी टाइम, और आपका बाय डिफॉल्ट लोकेशन भी माय डॉक्यूमेंट का ही आएगा। तो आप सेटिंग के अंदर जाके चेंज कर सकते हैं सेव में जाके कि मेरा डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या होगा और मेरा डिफॉल्ट लोकेशन क्या होगा। तो जब भी आप सेव करेंगे वो आपका सेट जो किया रहेगा वही आएगा, कोई और इसमें नहीं आएगा। उसके बाद बाकी चीज़ तो नॉर्मल है। एडवांस में आइए, छोटी मोटी चीज़ें से एंटर मारते हैं तो कर्सर डाउन जाता है, तो अगर आप चेंज करना चाहो तो यहाँ से राइट अप लेफ्ट कर सकते हो। हम कर्सर को पकड़ के ड्रैग कर देते हैं ना, यहाँ से पकड़े और हमने ड्रैग कर दिया तो ये हटाना चाहते हैं उसको अनचेक कर दीजिए हट जाएगा। इसी तरह की छोटी मोटी यहाँ पर है, आप इसको अपने हिसाब से बात देख लीजिएगा, लेकिन इसमें कोई चेंज करने वाले जैसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार जो यहाँ होता है वो हटाना, सीट के टैब सीट के नेम को हटाना, बट इसे एक फाइल के लिए वर्क करता है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कस्टम लिस्ट, वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, चलिए उसके बारे में हम बताते हैं। जैसे कि आप एक्सेल में जैन लिखते हैं और नीचे ड्रैग कर देते हैं तो जैन 5 मार्च आ जाता है, संडे लिखते हैं ड्रैग करते हैं तो संडे मंडे आपके पास आ जाता है। तो क्या मैं नेम लिखूं, मैंने यहाँ पे पूजा लिखा और मैं पूजा को ड्रैग करूँगा तो आपके सिस्टम में सिर्फ पूजा 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 ही आएगा, बट मेरे सिस्टम में ये देखिए नेम आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इसका लिस्ट क्रिएट किया हुआ। तो आप भी क्रिएट कर सकते हैं फाइल में ऑप्शन में एडवांस पे आके, एडवांस में सबसे नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा एडिट कस्टम लिस्ट। इस एडिट कस्टम लिस्ट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है न्यू लिस्ट, तो यहाँ पे आप अपना लिस्ट बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने बना रखा है पूजा, यहाँ पे देखिए दली का ही बना रखा है। आप कहीं पे अगर टाइप है तो सिलेक्ट करके उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं यहाँ से, नहीं तो आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते। जैसे मैं एक प्रोडक्ट की करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं करना चाहता हूँ एक्सेल VVA MIS BI BI Tableau और PPT GS Legal Sheet Access, ये हमने लिस्ट बना लिया और ऐड कर लिया NO के। अब किसी भी फाइल, नॉट इसी फाइल की बात कर, किसी भी फाइल में जाऊंगा और जैसे मैंने आपके एक्सेल लिखा और यहाँ पे नीचे ड्रैग कर दिया मेरे बाकी प्रोडक्ट आ जाएंगे। तो आप ही अपने टीम लिस्ट, अपने क्लाइंट लिस्ट, सिटी लिस्ट, ऐसा लिस्ट जो बार बार आपको टाइप करना पड़ता है या फिर कहीं से कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, ऐसे लिस्ट को आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो किसी को डाउट इसमें,
हेलो, तो ये एक्सेल की सेटिंग थी। तो यहाँ आप आएंगे में ऑप्शन में, तो यहाँ एक और है कस्टमाइज्ड रिबन, मतलब कि आपके पास देखेंगे आपके पास डेवलपर टैब नहीं होगा, तो आप यहाँ से डेवलपर टैब लेके आ सकते हैं, क्लिक कर दीजिए आ जाएंगे। उसके बाद पावर पिवट तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले, तो होगा। उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस नहीं हैं, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ देखिए कमांड नॉट इन रिबन, ये सारे कमांड रिबन में नहीं है, आपको चाहिए सेलेक्ट कीजिए और ऐड कर दीजिए। अगर ऐड नहीं होता है तो ग्रुप क्रिएट कीजिए, उस ग्रुप में ऐड कर दीजिए। नया मेनू बार क्रिएट कीजिए, उस मेनू बार में ऐड कर दीजिए। तो इससे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आप फाइल मेनू बार को एक बार स्टडी कीजिए, ऑप्शन को देखिए। इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें अनलिस्ट जरूरी नहीं थी मैंने छोड़ दिया, फिर भी आप देखिए आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ पढ़ने वाली है तो मुझे कल बताइएगा, कल हम आपको वो चीज़ पढ़ा देंगे, ठीक है सर। ओके, तो आज की